नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पहलवानों के आंदोलन को लेकर के। दरअसल आंदोलन कर रहे पहलवानों ने अब सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया है, साथ ही उन्होंने अपना आंदोलन खत्म करने की भी घोषणा कर दी है। बता दें कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने सीधे तौर पर आंदोलन को खत्म करने की बात कही है। उनका कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था उसके मुताबिक अब वादों पर अमल भी किया जा रहा है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस भी अपनी निगरानी बनाए हुए है। ऐसे में ये लड़ाई अब सड़क पर नहीं बल्कि कोर्ट पर लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि ये जो सारा नाटक था बृजभूषण सिंह पर आरोप लगाने का और जिस तरीके से रेसलिंग फेडरेशन में चेंजेस की बात कही जा रही थी, ये तमाम चीजों को लेकर के जो आंदोलन दिया गया था वो इस वजह से नहीं था कि इन मामलों में सच्चाई थी, बल्कि हकीकत में सिर्फ और सिर्फ ट्रायल से छूट चाहिए था इन पहलवानों को, जिसकी वजह से ये सारा का सारा षड्यंत्र किया गया था। तो वही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर पहलवान जो हैं वो सड़क पर आंदोलन नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर अपनी बातों से इस तरीके से घमासान नहीं मचाएंगे, तो ऐसे में ये विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आने वाले समय में राजस्थान हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां जो हैं पहलवानों के मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार को पूरी तरीके से घेरने की मंशा बना चुकी थी। और देखने को भी मिला था कि जंतर मंतर में पहलवानों के प्रदर्शन के दौरान कई सारे विपक्ष के नेता पहुंचे थे, जिसमें से अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी और सत्यपाल मलिक, पप्पू यादव समेत कई सारे नेता शामिल थे। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अब पहलवानों ने सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिया है, आंदोलन से ब्रेक ले लिया है। बता दें वही बृजभूषण सिंह का भी इस पूरे मामले को लेकर के बयान आया है। उनका कहना है कि यह मामला जो है अब कोर्ट में है और कोर्ट अपना काम बखूबी करेगी। बता दें कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन पर अब विराम लग गया है। महिला पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने नोट जारी करते हुए कहा है कि चूंकि सरकार ने अपनी बात पर अमल किया है और मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है, तो इससे अब उन लोगों को थोड़ी राहत आई है, इसलिए वे इस लड़ाई को आगे कोर्ट में लड़ेंगे। इसी के साथ दोनों पहलवानों ने यह भी कहा है कि वो कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रहे हैं। बता दें कि विनेश और साक्षी द्वारा किए गए ट्वीट में लिखा गया है कि थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हूं, आपका धन्यवाद। आपको बता दें कि इससे पहले ये भी देखने को मिला था कि ट्रायल के मुद्दे को लेकर के जब इनके लेटर्स सामने आए थे, जिसमें साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, सत्यव्रत कादयान समेत 6 पहलवान शामिल थे, जिन्होंने विशेष मांग की थी खेल मंत्रालय से और रेसलिंग फेडरेशन से, और ये कहा था कि उन्हें ट्रायल के लिए छूट चाहिए, समय चाहिए, क्योंकि वो धरना में बिजी थे, जिसकी वजह से वो ट्रायल पर अपना समय नहीं दे पाए, प्रैक्टिस नहीं कर पाए। ऐसे में उनको ट्रायल पर छूट भी दी गई है और कहा गया है कि 5 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में वो अपना ट्रायल दे सकते हैं। अब इस चीज को लेकर के भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा लोग विरोध कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि ये पूरा जो नाटक है सिर्फ और सिर्फ ट्रायल में छूट मांगने के लिए ही किया गया, जिसके बाद देखने को मिला कि पहलवान योगेश्वर दत्त भी इस मुद्दे पर सामने आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी, जिसके बाद विनेश फोगाट ने योगेश्वर दत्त को जयचंद भी बोल दिया था, जिसके बाद ये जो विवाद है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया था, जिसके बाद योगेश्वर दत्त ने एक एक पोल बजरंग पुनिया और तमाम पहलवानों की खोली जो कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे थे और रेसलिंग फेडरेशन पर आरोप लगा रहे थे कि उनके कुछ ऐसे नियम हैं जिससे कि खिलाड़ियों को दिक्कतें होती है। लेकिन वहीं जब ट्रायल पर छूट मिल गई है तो उन्होंने अब सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया है और साथ ही आंदोलन सड़क पर खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। बता दें कि विनेश फोगाट ने 26 जून को नोट जारी करते हुए बताया कि सरकार के साथ 7 जून को हुई बातचीत में सरकार ने जो पहलवानों के साथ वादे किए उन पर अमल करते हुए सरकार ने उस कड़ी में महिला कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा महिला उत्पीड़न एवं
यौन शोषण के संबंधों में की गई शिकायतों के मामले में 6 महिला पहलवानों द्वारा दर्ज एफआईआर की दिल्ली पुलिस जांच पूर्ण करके 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी गई है। इस केस में पहलवानों की कानूनी लड़ाई सड़क की जगह कोर्ट में जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। बता दें कि नोट में आगे ये भी कहा गया है कि कुश्ती संघ के सुधार के संबंध में नई कुश्ती संघ के चुनाव की प्रक्रिया वादे के मुताबिक शुरू हो गई है, जिसके चुनाव 11 जुलाई को होना तय है। उनके संबंध में सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर अमल किए जाने का भी इंतजार रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले देखने को मिला था कि तमाम तरीके के आरोप रेसलिंग फेडरेशन को लेकर के लगाए गए थे पहलवानों के द्वारा, और साथ ही बृजभूषण सिंह को भी लेकर के आरोप लगाए गए थे। और इसमें एक जो गंभीर आरोप था वो था पॉस्को एक्ट के तहत नाबालिग बताई जाने वाली महिला पहलवान से यौन शोषण का मामला। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने हालांकि इन तमाम मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है अलग अलग कोर्ट में। इसी के साथ ही दिल्ली पुलिस के द्वारा बृजभूषण सिंह को पॉस्को एक्ट में क्लीन चिट भी दे दी गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले से संबंधित उन्हें कोई भी सबूत स्पष्ट तौर से नहीं मिले, जिसके बाद खुद को नाबालिग बताई जाने वाली महिला पहलवान भी अपने बयान से पलट गई थी। उसने कहा था कि उसका किसी भी तरीके से यौन शोषण नहीं किया गया है, बल्कि उसने गुस्से में यह एफआईआर दर्ज करवाई थी अपने पिता के कहने पर। आपको बता दें कि भले ही पहलवानों के पोस्ट में डब्ल्यूएफआई के चुनावों के लिए 11 जुलाई तारीख बताई जा रही है, लेकिन ताजा जानकारी यह है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इसी साल 11 जुलाई को होने वाले कुश्ती महासंघ के चुनाव पर रोक लगा दी है। बता दें कि असम कुश्ती संघ ने इन चुनावों की तारीख टालने की याचिका दायर की थी। खेल मंत्रालय और भारतीय कुश्ती महासंघ को पार्टी बनाते हुए असम कुश्ती संघ ने खुद को भारतीय कुश्ती संघ का सदस्य बनने का हकदार बताया था। याचिका में बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 5 नवंबर 2014 को भारतीय कुश्ती महासंघ की जनरल काउंसलिंग की मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में डब्ल्यूएफआई कार्यकारी समिति ने असम कुश्ती संघ को अपना संबद्ध सदस्य बनाने का योग्य बताया था। याचिका में आगे बताया गया है कि साल 2014 में पास हुए प्रस्ताव में असम कुश्ती संघ को डब्ल्यूएफआई का मेंबर बनाने की सहमति के बावजूद आज तक उस पर अमल नहीं हुआ है। असम कुश्ती संघ का यह भी कहना है कि जब तक वो डब्ल्यूएफआई से संबद्ध नहीं है तब तक वो निर्वाचक मंडल में अपना कोई प्रतिनिधि नॉमिनेट नहीं कर सकते। इस आधार पर असम कुश्ती संघ ने 11 जुलाई को प्रस्तावित भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ और डब्ल्यूएफआई को इस बाबत निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर के पहलवानों ने यह ऐलान किया है कि वो सोशल मीडिया से ब्रेक लेंगे, और साथ ही उनका ये कहना कि वो आंदोलन अब सड़क पर नहीं करेंगे बल्कि अब जो लड़ाई है वो कोर्ट में जारी रखेंगे, यानी कि आंदोलन खत्म हो चुका है इस बात का उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर भी लोग भड़के हुए नजर आ रहे हैं पहलवानों पर, और लोगों का कहना है कि ये जो पूरा का पूरा नाटक पहलवानों के द्वारा रचा गया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रायल पर छूट के लिए और ट्रायल पर समय आगे बढ़ाने के लिए था। क्योंकि मामला तो जब से शिकायत हुई थी, जब से पहलवान आंदोलन पर बैठ गए थे दूसरी बार में, तभी से ही दिल्ली पुलिस जो है इस मामले को लेकर के एफआईआर भी दर्ज करती है। बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश भी दिया था कि इस मामले पे एफआईआर दर्ज की जाए, जिसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट का मैटर था वो दिल्ली हाई कोर्ट में चला जाता है। लेकिन उस वक्त भी पहलवान जो है वो अपने धरने से पीछे नहीं हटते हैं और यहाँ तक ऐलान कर देते हैं कि वो जो मेडल उन्होंने प्राप्त किए हैं, जो मेडल उन्हें जीत में मिले हैं, वो मेडल वो गंगा में प्रवाहित कर देंगे। तो जो बातें थी वो इस कदर बढ़ गई थी, तो इस वजह से लोग सोशल मीडिया पर भड़क रहे हैं और लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा नाटक सिर्फ और सिर्फ ट्रायल में छूट की वजह से था और बृजभूषण सिंह को उनके अध्यक्ष पद से हटाने के लिए किया गया था। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।